ये विनायक विहार कॉलोनी है, यहाँ पर हम विनायक विहार वाले सारे कॉलोनी वाले खड़े हैं। हमारी कॉलोनी में अभी तक कोई सैनिटाइज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, खूब मच्छर हो रहे हैं, कॉलोनी वाले सब परेशान हैं। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहाँ है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। साफ सफाई का कोई प्रबंध नहीं है किसी की तरफ से, कुछ भी यहाँ पर कोई न सरपंच की तरफ से न नगर निगम की तरफ से कोई भी गाड़ियाँ नहीं आई है और हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी को सैनिटाइज किया जाए और सभी लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि हम नगर निगम की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं हमारे पास। सरपंच के पास गया? सरपंच के पास हम गए नहीं, पर ये तो उनकी ड्यूटी बनती है ना सरपंच की कि वो आए इस इलाके को देखें, चेक करें कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है। कौन सी जगह है, सरपंच कौन है? सरपंच हैं मतिया भाट यहाँ की सरपंच है। हैं, ये विनायक विहार कॉलोनी है, अजमेर बाग के पास, फायसागर रोड। आपका नाम? मेरा नाम हेमा व्यास जी। ये मकान हमारा विनायक विहार फायसागर रोड, ये अजमेर बाग के पास मकान है हमारा, और यहाँ कम से कम 70-80 मकान है। 70-80 मकान होने के बावजूद भी यहाँ नगर निगम से या मतलब पार्षद से या सरपंच से कुछ भी कोई मतलब दोनों तरफ से बात करने के बाद यही दे रहे हैं कि हमारे पास सरपंच करेगा, सरपंच को बोलने के बाद बोलेंगे पार्षद करेगा, दोनों को टालामोली के चक्कर में हम 70-80 मकान है यहाँ। यहाँ बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, महामारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, यहाँ मच्छर है बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, और इसमें हम चाहते हैं कि हमें यहाँ कॉलोनी में सैनिटाइज हो, ताकि कुछ छिड़काव हो, ताकि मतलब बीमारी से निजात पाया जा सकता है। आपके यहाँ ग्रामीण है ये क्या है? ये एक्चुअली में ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में एरिया आता है हमारा, लेकिन सरपंच को बोलने का आता सरपंच का बंदा, लेकिन सरपंच यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं कर रहा है। सरपंच का नाम मतिया भाट काजीपुरा हाथीगढ़ा पंचायत से है। ठीक, आपका नाम? नाम सरदार सिंह रावत, फायसागर रोड बोराज। फायसागर रोड से रमेश चंद वर्मा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी कॉलोनी के अंदर सैनिटाइजर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, महामारी के कारण कॉलोनी का वेस्ट पानी के कारण काफ़ी गंदगी हो रखी है। इसके लिए पार्षद को भी बोला हम लोगों के, ग्राम पंचायत के सेवक सरपंच को भी बोला, मगर अभी तक हमारी कॉलोनी में कोई भी कुछ वैसे सैनिटाइजर वगैरह की कोई कुछ नहीं सुविधा हुई है। सैनिटाइजर क्यों करवाना चाहिए कुछ? कि सर ये कोरोना वायरस चल रहा है, इसकी वजह से हम लोगों के अंदर इस महामारी को बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय होना चाहिए, मगर ये कुछ नहीं हो रहा। कॉलोनी के सभी जो निवासी है सब चाहते हैं कि ये कॉलोनी के अंदर हो, मगर किसी का कुछ नहीं कर रहा है, कोई प्रशासन का कोई जान हमारी तरफ से कोई ध्यान नहीं दे रहा प्रशासन। अभी आपने शिकायत की किसी? कई बार की है सर हमने, ग्राम पंचायत के सरपंच को किए, देवनानी साहब के पास किए, हमारे पार्षद को किए। पार्षद कौन है आपको? पार्षद हमारे ग्राम पंचायत एरिया में आता है सर हमारे। ठीक है, आपका नाम? रमेश चंद्र वर्मा। समस्या आ रही है? ये विनायक विहार कॉलोनी हमारे अजमेर बाग के अंदर है, यहाँ 70-80 मकान करीब है, करीबन 400-500 से ऊपर वो आदमी लेडीज बच्चे वगैरह सब रहते हैं। हमारे यहाँ सैनिटाइज की कोई व्यवस्था नहीं है, निगम से बात कर ली हमने, सरपंच को फ़ोन कर दिया, सब एक दूसरे पर ढल रहे हैं, यहाँ मच्छर बहुत हो रहे हैं, बाहर निकल नहीं सकते हैं, बाहर बैठ नहीं सकते हैं, जिसको बोलो वो अपनी जवाबदारी ले नहीं रहा, जबकि ये महामारी इतनी फैली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ऊपर से आदेश ऐसा है कि आप इस बीमारी को रोको, लेकिन यहाँ सब एक दूसरे पर ढल रहे हैं, हम बहुत परेशान हो रखे हैं। कृपया करके प्रशासन हमारे यहाँ ध्यान देवे, हमको खाने पीने के लिए नहीं चाहिए, हमारे को खाली यहाँ छिड़काव करा देवे, नियमित छिड़काव करा दे, इसलिए हम सुरक्षित रहे। सैनिटाइजर क्यों करवाना चाहिए थोड़ा? सैनिटाइजर इसलिए कराना चाह रहे हैं हम, ये जो महामारी फैल रही है पूरे वर्ल्ड में जो फैल रही है, तो हम ये चाह रहे हैं थोड़ा हमारी भी यहाँ सेफ्टी हो जाए, भविष्य में ऐसी कोई यहाँ कोई हमारी दुविधा नहीं हो, बाहर से कोई आ जावे तो हमारी तो सेफ्टी हो जाए, इसलिए हम इतना चाहते हैं कि हमारे सब। आपने इस बारे में किसी को शिकायत दर्ज की? हमने वार्ड में भी कह दिया, वार्ड पार्षदों को कह दिया, सरपंच महोदय को कह दिया, वो बोलते हमारे पास साधन नहीं है, वार्ड वाले बोलते हैं कि आपके ग्रामीण में आता है, इसलिए हम दोनों पार्टों के बीच में फंसे हुए हैं, हमारी कोई सुनवाला नहीं है यहाँ पे। सरपंच का नाम क्या है, पार्षद का नाम क्या है? पार्षद को तो हमने ज्ञान जी को भी फ़ोन करा था, राजेंद्र जी को फ़ोन करा था, वो उनका कहते हैं साहब हमारी मजबूरी, हम वार्ड के अंदर काम कर सकते हैं। सरपंच साहब को हमने फ़ोन करा, उनका नाम मतिया बाग है, वो हमारे पास बोला हमारे पास साधन नहीं है, तो कृपया करके प्रशासन से निवेदन है कि हमारे यहाँ जल्दी ध्यान दें, क्योंकि इस महामारी से कल ना कोई भी बात हो गई तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा। ये कौन सी जगह है? ये हमारे विनायक विहार कॉलोनी है, फायसागर रोड पे, ग्रांड जीनिया के पहले, अजमेर बाग के अंदर जाके 70-80 मकान है हमारे यहाँ। आपका नाम? अनिल बंसल। नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत
ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7804-6। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।